कोशिश करती हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना बोलूँ बिकॉज ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट ऑन सोशल मीडिया. कि मेरी रेडलाइंस आपसे थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, इज़ टू लुक डाउन अपॉन द अदर पर्सन. और मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक्टर्स जिन्होंने अपनी लाइंस अनाउंस की और फिर उनको क्रॉस किया तो लोगों ने कैसा रिएक्ट किया. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा हुसैन और आप मुझे देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी पर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. तो मावरा, आप हमारी टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और आप आवाज़ उठाती भी हैं सोशल कॉजेज के लिए. क्या आपको लगता है ये एक ऑप्शन है सेलिब्रिटीज़ के लिए, या आपको लगता है ये हमारी ड्यूटी भी है किसी हद तक? ये बड़ी एक थिन लाइन है जिस पे बड़े ध्यान से चलना पड़ता है. सही. क्योंकि अगर आप एक सोशल कॉज के बारे में बात करें तो एकदम से आप पे प्रेशर आ जाता है कि आपने दूसरे के बारे में तो की नहीं, तो आप हैं तो बुरे ही, यू नो. सो Whenever I speak for something, that's not to prove a point. ये बात तो बहुत क्लियर है मेरे लिए. ठीक. कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि ट्रेंड क्या कर रहा है. सही. अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है, गुड फॉर देम, इसका मतलब बहुत लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. मेरे सपोर्ट ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक. लेकिन अगर कोई चीज़ मैं ऐसी देखती हूँ जिसमें मुझे बेसिकली मैं when I feel something in my heart, I say it. कोशिश करती हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना बोलूँ बिकॉज ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि मैं हर किसी को प्रूव नहीं कर सकती कि मैं इंसान कैसी हूँ. बिल्कुल. सो आई ट्राई कि मैं विदाउट गेटिंग माई सेल्फ इन ट्रबल जितना मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ टू द सोसाइटी में करूँ. लेकिन मेरे लिए समहाउ मीरा, आई नो कि बहुत सारे मसले हैं बड़े बड़े हमारे मुल्क में. मेरे लिए ये बहुत ही क्रूशल मसला है कि लोग काइंड नहीं हैं. मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी बात है. अब चाहे इसको लोग बेसिक समझें, अगर बेसिक भी है तो बेसिक तो हमारे अंदर इनकलकेट हुआ नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे. सो आई ट्राई कि बाकी सब चीज़ें दूसरों ने संभाली हुई है ना. सो मीन वाइल आई कैन जस्ट टेल पीपल टू बी काइंड, टू बी कम्पैशन एंड कम्पैशनेट. कुछ चीज़ें ना आपको रिपीटेडली कहनी पड़ती हैं. सही. ताकि वो ज़रा 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 करके असर करने लगें. सो आई फील कि मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा कॉज यही है दैट पीपल लुक एट मी, लुक एट माई लाइफ एंड दे कैन, यू नो, इवन इफ दे सी इट लाइक 50 ईयर्स लेटर, दे सी लव इन इट, दे सी काइंडनेस इन इट. वो उसको देखें और उनके अंदर कंपैशन पैदा हो या लोगों के लिए एम्पैथी पैदा हो. दैट्स ऑल. आई फील इससे बड़ा कॉज कोई नहीं है मेरे लिए. तो आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में अनकाइंडनेस की रूट क्या है, कहाँ से आती है? आई थिंक रूट तो मेरे पैदा होने से भी पहले से कहीं से होंगी. जी. समझ मैं भी नहीं पाती हूँ. सोचूँ तो मुझे लगता है कि जो कुछ चीज़ें आपके अंदर ग्रास रूट लेवल से इरेडिकेट नहीं की गई ना, वो फिर आपके चाहे वो कल्चर में हो या सोसाइटी की वजह से हो या कंपटीशन की वजह से हो या जो भी वजह हो, शायद हम लोग कम इनलाइटेंड थे एज ह्यूमन बीइंग्स. तो अब क्या 100 साल बाद भी हम उतना ही पीछे रहना चाहते हैं? एक तो तालीम बहुत एक ज़रूरी चीज़ है. ऑफ कोर्स एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, बट आई एम सेइंग कि फॉरगेट एजुकेशन, फॉरगेट एवरीथिंग. जब एक इंसान पैदा होता है तो वो अपने अंदर नफरत लेके तो पैदा होता नहीं है. सो आई एम सेइंग कि हम क्या बार बार इंसानों को, आपने ये इतनी प्रोफाउंड बात की है. बिल्कुल. जब इंसान पैदा होता है नफरत नहीं होती, हमारी सोशलाइजेशन जो होती है वो कुछ लोग जो गड़बड़ हो जाती है कि कहां, किस लेवल पे, पता नहीं है कि सेकंड ग्रेड में या फिफ्थ ग्रेड में वो जजमेंट आने लगती है ना, कि हर तरफ से कि वो देखो उसने स्लीवलेस पहना हुआ है, ये देखें स्लीवलेस, या वो देखो उसने नमाज नहीं पढ़ी, या वो देखो उसने, या वो देखो उसने नमाज पढ़ ली सो फेक, हाँ या पढ़ ली, ये भी बिल्कुल. आई एम सेइंग जस्ट ड्रॉप ऑल जजमेंट्स. कोई कैसा इंसान है, कोई कैसा अपने रिलीजन को फॉलो करता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है. आई नो, बट शुरू तो करना है ना. और कहते तो जाना है मेरी जिंदगी में तो ये अचीव नहीं होगा, लेकिन अब मैं कहते रहूंगी. बिल्कुल. और आई थिंक सेलिब्रिटीज का ये है ना, हमारा मॉडल ऑफ चेंज क्या होता है, कुछ लोगों का मॉडल ऑफ चेंज इंस्टीट्यूशनल होता है क्योंकि वो इदारे चलाते हैं. हमारा मसला ये है कि हमारा मॉडल ऑफ चेंज हम तक महदूद रह जाता है कभी कभी, क्योंकि लोग, पीपल लुक अप टू मावरा. अब मावरा का मॉडल ऑफ चेंज क्या होगा? जैसी मावरा है वैसा लोग करना चाहेंगे. तो आप जो बात कर रही थी कि आप अपनी जिंदगी से ये दिखाना चाहती हैं कि आपका मॉडल ऑफ चेंज है काइंडनेस. दैट्स द काइंड ऑफ लेगेसी आई वांट टू लीव बिहाइंड मी. आई डोंट वांट पीपल टू रिमेंबर मी फॉर माय प्रोजेक्ट्स और एड्स और व्हाट, दैट इज सेकेंडरी फॉर मी. हां, बट यू श्योरली अल्लाह करे कि यू नो, अल्लाह करे कि मैं ऐसा काम कभी कर लूं. जी. लेकिन
वो मेरे लिए प्राइमरी नहीं है. अच्छा, प्राइमरी यही है कि जब लोग आपके बारे में सोचें तो उनका अच्छा इंसान बनने को दिल करे, क्योंकि दैट विल लास्ट एवरी वन अ लाइफ टाइम. बेशक, यू नो, प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, करियर बनता है, ख़त्म हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो या ड्रामाज वाइज हो, सब चीज़ों ने यू नो ख़त्म हो जाना है. बट आपके अंदर जो ह्यूमन लेवल पे चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं ना, वो आपके साथ रहती हैं हमेशा के लिए. बिल्कुल है. सो आई एम थैंकफुल टू द बुक्स दैट हैव ट्रिगर्ड काइंडनेस इन मी, एंड आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर रेजिंग मी सो वेल, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने मुझे जजमेंट सिखाई ही नहीं. तो ये उनका एहसान है मुझ पर कि उन्होंने सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनसे ब्रेक किया. मैं आपको और उर्वा को देखती हूँ, आप दोनों इतनी यंग एज पे इस इंडस्ट्री में आई, तो आपको जो ये कॉन्फिडेंस मिला कि आपको लगा कि आप आ सकती हैं, आपने अपनी जगह ना सिर्फ बनाई बट आप कायम रही अपनी जगह पे, तो ये कॉन्फिडेंस अम्मा और अब्बा दोनों की तरफ से आया था, क्या था? मुझे क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मावरा में है और उर्वा में नहीं है, या उर्वा में है और उनके दोनों बच्चे, आपके मतलब भाई भी हैं माशाल्लाह, वो लेकिन अभी पढ़ रहे हैं, ही इज यंग राइट नाउ, बट दोनों बेटियों में इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी एक लीडरशिप क्वालिटीज. मैं हमेशा आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये वेयर इज दिस कम फ्रॉम? इट हैज़ कम फ्रॉम द पेरेंटिंग, बट मुझे लगता है कि उन्होंने बजाय कि वो हमें ये सिखाते कि कॉन्फिडेंट बनो, उन्होंने हम पे बाउंड्रीज नहीं लगाए, उन्होंने हमें ग्रो करने दिया. कि जैसे मतलब बहुत ही वो बात है कि हर कोई करता है, लेकिन जिस तरह प्लांट्स होते हैं, यू लेट देम ग्रो इन देयर ओन डायरेक्शन. अम्मा ने कभी नहीं हमें कहा कि उर्वा मावरा जैसी बने, या मावरा उर्वा जैसी बने, या भाई बहनों जैसा बने, या यू नो कोई कंपैरिजन नहीं होता था, विच इज़ वाई मे बी जजमेंट नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में रह कर ग्रो कर पाए हैं, बिकॉज यही सिखाया गया था कि बस ग्रो करो, ग्रो करो, हर दिन बेहतर इंसान बनो. सही. और इसके अलावा कुछ मतलब उन्होंने कहा कि खुद से सीखो, दे लेट अस लर्न. आप दिल की बातें करती हैं अपने अब्बा से? हाँ, मुझे लगता है मैं सारी बातें करती हूँ अपने अम्मा अब्बा दोनों से. मैं बड़ी सीक्रेट्स जानते हैं आपके अब्बा आपकी जिंदगी के बारे में? हाँ, हाँ, बड़े मजाक में, गपशप में. अच्छा. जो बात थोड़ी डर भी लग रहा हो करने के लिए, वो मैं कर देती हूँ. तो रिएक्शन क्या आता है? कुछ भी नहीं, हंसते हैं. मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप को बहुत हंसाती हूँ. सही. इस बात के लिए भी मुझे बड़ा आई फील वेरी ग्रेटफुल मेरी बातों से, मेरे एंटिक्स से. देर ऑलवेज लाफिंग एंड डू दे वॉच योर प्लेज एंड योर सीरियल्स? या हाँ हाँ, मम्मा तो मतलब रिलीजियसली वॉचेस दैट. मम्मा का फेवरेट को स्टार कौन है आपका, आपके साथ जो आते हैं आज तक? दैट्स अ टफ वन. मुझे लगता है कि मामा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था व्हेन आई वुड वर्क विद सबा हमीद. अच्छा. मैंने एक टेलीफिल्म की थी नुमान एजाज के साथ, मामा ने कहा तुम इनके साथ सीरियल करो, यू नो. सो आई फील कि मामा के वक्त के जो एक्टर्स हैं उनको वो ज्यादा पसंद है. व्हेन आई वर्क विद देम तो वो बड़ी खुश होती हैं कि अच्छा मेरी बेटी ने इसके साथ काम किया. मेरी बाकी को स्टार्स में से आई थिंक मामा के ओपिनियंस बनते हैं बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. ठीक है. बिकॉज़ उनकी बेटी से जो वो सुनती हैं, दैट फॉर्म्स हर यू नो ओपिनियन अबाउट. स्पीकिंग ऑफ को स्टार्स, लोग बहुत कहते हैं और सुनने में भी आता है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती, तो क्या ये बात सच है? मुझे ये बात थोड़ी 1970 की लगती है. मुझे जो सच बात है, मुझे भी. और ये मैं तब से कह रही हूँ जब मैं 19 साल की थी, और तब तो मैं बड़ा बोलती भी इस तरह थी. मैंने आपको इतनी दफ़ा माहिरा की दावतों पर देखा है. हाँ. लेकिन मैं जब ये शुरू में बोलती थी ना, तो सब समझते थे कि स्टूपिड चाइल्ड सेइंग 1970 अभी लगेगा पता. बट ऐसा कुछ पता नहीं चला मुझे इतने सालों में. आई बीन वर्किंग फॉर नियरली अ डेकेड, कुछ ऐसा नहीं है. हाँ, ह्यूमन लेवल पे अगर आपके किसी से ना बने मीरा, बट दैट्स सो नेचुरल. वो तो बस उसका एक्ट्रेस होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है. बिल्कुल. कि आपको इंसान कोई पसंद ना आए, और उस तरह भी आई नेवर फॉलन आउट विद एनीबॉडी, लेकिन पसंद ना आए तो फिर आपकी उस तरह से दोस्ती नहीं. आपको फॉरन आप मतलब नबीला से मेरी आपसे मुलाकात हो और हमारी एनर्जी ना मैच करें, तो आपके दिमाग में होगा अच्छा ठीक है, आई डोंट हैव टू रीच आउट टू दिस पर्सन, यू नो. तो वो तो दैट्स वेरी नॉर्मल. मुझे लगता है कि मैंने जितने भी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, या जितने भी एक्ट्रेसेस से मैं सोशली मिली हूँ, आई हैव ऑलवेज फेल्ट ग्रेट मीटिंग एवरीबॉडी. और आई फील कि वो, और आप सपोर्ट भी इतना करती हैं. वैसे आपको फील भी सिर्फ तभी होता है जब अगले की भी एनर्जी आपके लिए अच्छी हो. सो आई फील कि ये पुरानी बातें हैं जिनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है कि नहीं, तुम लोग भी आपस में कुछ तो हमें लड़ाई करके दिखाओ. हेडलाइंस दो ना. तो आई फील दे डोंट हैव हेडलाइंस टू डू विद एक्ट्रेसेस एनीमोर, एंड दैट्स बोरिंग फॉर पीपल. ऑल्दो आती हैं कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कभी कभी आती भी हैं. इसी वही बात है कि कभी कभी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है. बट इट्स नॉट अ नॉर्म. आई एग्री विद यू. इट्स नॉट अ स्टेटमेंट आई वुड अग्री विद. आई थिंक एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, बैंकर्स, सेम इंडस्ट्री के कोई भी लोग, एवरीबडी कैन बी फ्रेंड्स एंड एनीबडी कैन फाइट. सो इट्स नॉट टू डू विद एक्ट्रेसेस एट ऑल. कभी ये वक्त आएगा जब मावरा हुसैन लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर बनेंगी?
आई थिंक सो या मुझे ऐसा लगता है बट ऑब्वियसली मेरे जो 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 मेरे साथ सब लोग पढ़ रहे थे और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं मेरे दोस्त उनके सामने मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं हाँ श्योर क्योंकि वो लोग अभी से कर रहे हैं मेहनत अच्छा। कर रहे हैं उनका ऑलरेडी दे हैव अ यू नो एक्सपीरियंस बढ़ गया है मैं अभी तक यू नो आई एम वर्किंग इन द सेम फील्ड बट अभी इंशाल्लाह आई एम गोइंग फॉर माई बार इन जनवरी तो शायद उसके बाद देखें तो फिर भी आपको जगल करना पड़ेगा ना हाँ आई मीन जगलिंग इज़ नॉट दैट हार्ड मैं ज़िंदगी में कोई एक चीज़ कर ही नहीं सकता अगर आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज तो आप इसलिए ना करें क्योंकि लोग नहीं करते तो दैट्स सिली यू शुड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू अगर आपका कल सुबह उठ के पेंटर बनने को दिल कर रहा है तो आप शुरू कर दें अभी भी शुरू कर देंगे तो 10 साल में मे बी यू विल बी द बेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड और मे बी इन 5 ईयर्स And I think that also comes from my mother and me. कि मैं उनको कल सुबह उठ के अगर कहूँगी ना मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो कहेंगे कौन से कॉलेज जाना है कहाँ से पढ़ना है She'll never say बेटा अब कैसे बनोगी you know? So I think it comes from them. तो रजिया आंटी की उनकी तरफ से उनकी अम्मी भी जो थी जिस किस्म की वो होंगी मैट्रियार्क तो मुझे लगता है कि लाइन होती है एक स्ट्रॉन्ग वुमन की ऐसे नहीं होता कि उठ के आ जाती है मुझे लगता है कि मेरी अम्मा जो है ना वो बहुत स्पेशल है नॉट इन लाइक अ यू नो माइंड तो सबकी स्पेशल होती है बट एज अ वुमन यू नो वो जितना आगे का सोच पाती हैं जितना वो यू नो वो घबराती नहीं है चेंज से मैंने बड़े होते हुए देखा कि वो मेरी किसी चॉइस पे कभी नहीं घबराई मैंने पहले कहा मैंने डॉक्टर बनना है फिर मैंने कहा मैंने फैशन डिजाइनर बनना है फिर मैं एक्टर बन गई फैशन डिजाइनर भी पढ़ना शुरू किया और चीज़ें छोड़ी यू नो और फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं एक्टर बनना शुरू हो गई फिर मैंने कहा अच्छा मैं सोचूं मैं LLB कर लूँ कभी उन्होंने इस तरह दिखाया ही नहीं कि मैं कोई अजीब बात कर रही हूं शी वुड से अच्छा ये करना है चलो करें सो शी हैज अ लिटिल चाइल्ड इनसाइड हर आल्सो व्हिच इज अमेजिंग बिकॉज़ हर स्पिरिट इज अनडिम्ड तो आई थिंक वो जरूरी है कि पेरेंट्स आपको एनकरेज करें फिर आप अचीव कर सकते हो जिंदगी में कोई ऐसी चीज होती है आपकी जिंदगी में वेयर यू ड्रॉ लाइक अ रेड लाइन बहुत हम अपनी लाइफ में भी होता है कि आप कहते हैं कि हाँ मैं अवार्ड शो पे मतलब स्कर्ट नहीं पहनूंगी मैं गाउन पहन लूँगी या मैं शलवार कमीज़ तो हम वैसे भी पहनते हैं बट इज़ देयर एनीथिंग इन योर करियर वेयर यू ड्रॉ द रेड लाइन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू ड्रेस और इन टर्म्स ऑफ द सीन्स जो आप करती हैं क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस तो हाथ भी नहीं पकड़ती ना थोड़ी पुरानी बात है लेकिन मुझे याद है 2008 की बात है मैं किसी एक अदाकारा के साथ काम कर रही थी उन्होंने कहा कि नहीं मैं हीरो का हाथ नहीं पकड़ सकती तो आपके लिए आपके कोई रूल्स हैं ऐसे आई फील लाइक रूल्स को एक तो अपने तक महदूद रखना चाहिए मेरे पास मेरी अपनी रेड लाइन्स हैं आपके पास अपनी होंगी टू टेल यू कि मेरी रेड लाइन्स आपसे थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं इज़ टू लुक डाउन अपॉन द अदर पर्सन राइट सो मैंने कभी भी किसी भी इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई नेवर इवन इफ आई हैव ड्रॉन लाइन्स इन माई हेड आई नेवर अनाउंस दैम ओके बिकॉज दैट्स फॉर मी और मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक्टर्स जिन्होंने अपनी लाइंस अनाउंस की और फिर उनको क्रॉस किया तो लोगों ने कैसा रिएक्ट किया सो आई फील के मेरा कुछ भी कहना कि मैं ये नहीं करूँगी वो कोई इंसान जो वो कर रहा होगा वुड फील के यार ये यू नो आई वुड शी से समथिंग लाइक दिस अबाउट मी ठीक इट वुड यू नो पीपल वुड टेक इट एज अ पर्सनल अटैक तो आई ट्राई कि मैं अपनी लाइंस या अपनी वही बात है कि अपनी आइडियोलॉजीज या अपनी जिंदगी के जो भी मेरी रूल बुक है दूसरों पर थोपूँ नहीं हर किसी को इजाज़त होनी चाहिए टू डू व्हाट एवर दे वांट टू डू इन देयर लाइव्स बिल्कुल बस उसका कोई हार्म नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पर मेरी रेडलाइन यही है कि मैं कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं ठीक और मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो और कोई दुखी ना हो ये मेरी रेडलाइंस हैं सही बाकी और ये रेडलाइंस अगर कोई देख के सोचेगा कि मैं भी किसी को दुखी ना करूँ तो दैट्स गुड बट उसके अलावा कि करियर में या जिंदगी में या पढ़ाई में मुझे लगता है कि शायद मैं खुद भी वो इंसान ना रहूँ जो मैं आज हूँ बिल्कुल बंदा इवॉल्व करता है जो आपके रूल्स थे 5 साल पहले शायद 5 साल बिल्कुल बदल चुके हैं इसलिए मैं बॉक्स बनाना ही नहीं चाहती मुझे आई हैव टू लिव अप टू दैट बॉक्स देन एंड दैट वुड बी और अपने आप को आप फिर बंदा महदूद कर देता है ना हाँ और मैंने देखा है लोगों को करते हुए क्योंकि उन्होंने कुछ कह दिया ना दे हैव टू डू इट सो आई ऑलवेज से कि नेवर से नेवर अभी जिस तरह शायद मैं लॉ प्रैक्टिस ना करूँ मीरा कभी भी ना करूँ बट शायद करूँ सो आई एम गोना कीप दैट ऑप्शन ओपन फॉर माई सेल्फ वेदर इट्स पब्लिकली और पर्सनली सो या यू आर अ वेरी गुड डांसर Mawra Really? No, you are. I've seen you perform. आपने ये इंडिया में सीखा या ये खुद ही मतलब आई मीन दे गेव मी क्लासेस फॉर खींच मेरी फोटो बट वो तब मुझे डांस सिखाते थे और कहते थे बस डांस को खराब करो क्योंकि खींच मेरी फोटो में खराब डांस करना सो इट वाज अ वेरी कंफ्यूज्ड यू नो सेशन दे वर वेरी कंफ्यूज्ड सेशंस बट आई फील के इवेंचुअली आप वही उसमें से ग्रास्प करते हो जो आप करना चाहते हो जो आपका पोटेंशियल होता है एंड आई डोंट थिंक आई एम गुड एट
By the way, I'm not, I don't feel that I'm very good at anything. But I'm okay to be learning mm-hmm. and I'm okay to be slightly good or reasonable at multiple things than just trying to ace one thing. You know, a lot of people have sat across me jahan aap baithi hain abhi aur mujhe ab main aapse baatein kar rahi hu aur mujhe lag raha hai ki Mawra humble hona bahut acha hai lekin aap apne aap ko itna put down kyun kar rahe hain? नहीं पुट डाउन करने की बात नहीं है इट्स जस्ट दैट आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है आप पूरी दुनिया में इतना इतने लोग इतना कुछ अचीव कर रहे हैं यू हैव टू सी योर सेल्फ फ्रॉम अ कि दुनिया में मेरी वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है तो वो बहुत माइन्यूट होगा अभी सही जिस दिन आई विल ब्रिंग सम बिग चेंज इन द वर्ल्ड आई विल ऑल्सो प्राउडली स्टैंड एंड से कि यार ये देखो ये मैंने किया बट आई फील टिल देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड एंड अंडरस्टैंड कि इतना भी कुछ नहीं कर रहे हम Maybe that also allows me to, you know, appreciate others and like people a lot more than not. So वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं self-critical रहूँ और थोड़ी grounded रहूँ. माशाल्लाह बहुत grounded है. मतलब आपके जो पाँव हैं वो ground के साथ attached हैं ऐसे. अल्लाह करे ऐसे ही रहें. बिल्कुल. बहुत ज़रूरी है. आपकी favorite actresses कौन हैं जो आजकल काम कर रही हैं? मेरी फेवरेट एक्टर जिनको आप देखती हैं आप कहती हैं उफ यार ये क्या कर जाती है यार आई वुड से कि मतलब रीसेंट वैसे तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल आर एक्ट्रेसेस एक तो बड़ी मुश्किल हमारी जिंदगी है एज एन एक्ट्रेस इन दिस कंट्री विच इज़ वाई मेरे लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे पास बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है सबके लिए सो आई लव एवरीबडी फॉर वट एवर देयर फोटेज बट अभी रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग यमुना ज़ैदी इन प्यार के सबके वाह यार बिकॉज वो मैं कभी उसके साथ स्माइल किया है कभी उसके साथ मैं रोई हूँ एंड जस्ट जनरली स्पीकिंग ऑफ एक्टर्स देर इज दिस लिटिल किड हु केम इन मेरे पास तुम हो जी जी सो दीज टू परफॉर्मेंसेज रियली यू नो मूव्ड मी दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत ही मज़े की थी यू नो वन थिंग दैट ऑलवेज फैसिनेट्स मी अबाउट बोथ यू एंड उर्वा इज दैट आप लोग जब इंडस्ट्री में आए आपने एक नो मेकअप का ट्रेंड शुरू किया और ये बड़ी एक लॉन्ग लास्टिंग आपकी मैं समझती हूँ उसको कॉन्ट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं क्योंकि लोग हम करते हैं मेकअप अभी भी लोग करते हैं ऐसा नहीं है कि हमने मेकअप करना छोड़ दिया लेकिन आप और उर्वा जब आई इवन वन उर्वा गॉट मैरिड उन्होंने बहुत कम मेकअप किया सबात में आपका बहुत कम है बिकॉज वो तो रोल डिमांड करता है लेकिन ये इतनी आप क्या सोचा था आपने आई मीन व्हेन यू एंड उर्वा जस्ट डिसाइडेड कि आई डोंट थिंक कि हमने कोई किसी एक दिन बैठ के डिसाइड एग्जैक्टली बट मुझे ऐसा पर्सनली आई विल स्पीक फॉर माय सेल्फ मुझे लगता था कि विद अ लॉट ऑफ मेकअप मेरे माय एक्सप्रेशंस डोंट गेट अक्रॉस लाइक और स्पेशली अगर इफ द रोल डिमांड्स यू टू नॉट वेयर मेकअप जी वो फिर ऐसे फेक सा कुछ फील होता था सो आई थिंक इट वाज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्टिव बट आई मीन इन रियल लाइफ आल्सो अब अभी आप बहुत आपने कम मेकअप किया हुआ है आप तस्वीरों में भी आप इंस्टाग्राम पेज में देखती हूँ आपकी बे फेस होती है यूजुअली सो यू जस्ट लाइक इट लाइक दैट हां या आई थिंक इट जस्ट हैपेंड बट ऑफ कोर्स शुरू में इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम क्योंकि जब सेट्स पे इतना इतनी हार्ड थी ना मामला मैं वही तो कह रही हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं होता लोग आपको थोड़ा 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 वही ना मैं कह रही हूँ कि वो आप बार बार एक चीज़ कहते रहते ना उसका असर रह जाता है सो आई थिंक वो शुरू में थोड़ा सा हमें करना पड़ता था विद द मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो यू नो यू हैड टू शो देम दैट यू नो वी डू रिस्पेक्ट योर आर्ट एंड योर टैलेंट बट इट्स जस्ट नॉट गोइंग वेल फॉर मी तो वो थोड़ा एक ट्रिकी बिट होता था कुछ ड्रामाज में ऐसा मेकअप किया भी है कि लगता है कि क्या किया है बट कभी कभी बड़ों की बात माननी पड़ती थी कभी किसी डायरेक्टर की बात सुननी पड़ती थी बट वही है कि एवरीथिंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे वाज अबाउट द परफॉर्मेंस दैट यू नो कि वो सही से हो जाए एंड इट्स स्टिल द सेम दैट इज स्टिल द सेम टुडे व्हेन ऋषि कपूर साहब डाइड यू एक्सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ सैडनेस क्योंकि आप क्लोज थी बहुत उनके नहीं नहीं मैं बहुत क्लोज नहीं थी आई जस्ट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन आर्टिस्ट एंड आई हैड मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स इन अ पर्सनल कैपेसिटी नीतू आंटी हैड इनवाइटेड मी ओवर टू हर प्लेस फॉर डिनर्स व्हेन आई वाज इन बॉम्बे बिकॉज शी वॉच्ड माय ड्रामास सो उस तरह उनके साथ काफ़ी गपशप रही और यू नो आई हैव मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स आफ्टर दैट ऑल्सो सो आई जस्ट यू नो यू जस्ट फील दैट यू आर रीचिंग दैट एज वेयर पीपल यू हैव नोन आर passing away and that's a very that's something that that is also something I realized this year as you grow the people you've known are growing older and parents, that's also the reality of life so I think wo us tarah se mujhe us cheez ne bada effect kiya tha and of course we've all watched him loved his movies loved his songs of course so I think ye dono tarah se feel hua tha so Mawra do you think art transcends borders
See, now this is also very tricky. Because when I say that art should not be confined by borders, I don't mean that whatever else is happening in the world or whatever's right thing to do should not be done. So I feel that once an art form is created, na ek cheez, ek project, ek koi cheez ban gayi hai, phir aap usko borders mein na tole. Bilkul. But uske ilawa, one should do what's necessary, what's right. Sahi hai. But you know, ab matlab filmein hain, ab dil wale dushaniya le jayenge, celebrating, I think 25 years. आज उनका सेलिब्रेशन हो रही थी कोई और मैं देख रही थी उस सिमरन और राज का जो रोमांस है मुझे इट मावरा ट्रांसपोर्टेड मी टू माय चाइल्डहुड यू नो जब वो बाऊजी ने हाथ पकड़ा होता है सिमरन का और जब वो गाय की बेल पहनी होती है उसने उस मस्टर्ड फील्ड में यू नो वो खड़ा होता है वो आती है दीज आर आइकॉनिक मोमेंट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियंस और फॉर पाकिस्तानीज बट फॉर एनी वन हु वॉचेज सिनेमा सो मेरा अपना जाती मानना ये है कि फ़न जो आपका होता है उसका कोई उसके कोई लकीर नहीं होती बिल्कुल है ना बिल्कुल एंड आई थिंक एनी ऑडियंस वॉचेज व्हाट दे एंजॉय अब जिस तरह सबात के लिए फीडबैक आता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो वर्ल्ड के किस कोने से आ रहा है खुशी होती है कि उस कोने तक सबात पहुँचा है और किसी ने देखा है सो इट डजंट जिस तरह हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ऑडियंस कौन से कंट्री की है कौन से कॉन्टिनेंट की है आई एम श्योर ऑडियंस को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस मुल्क का है और हमें एंटरटेन कर रहा है एंटरटेनर कौन सी कंट्री का है बट देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो एंगल्स दैट प्ले अ रोल सही एंड यू नो वी गोना हैव टू लिव विद इट ये एक दुनिया है जिसमें ये सब चीज़ें हिस्सा हैं इस सब का आई नो तो फिर आई ऑल्सो डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट आई थिंक जो जैसा चल रहा है चलता रहे मैं अपना रोल अच्छे से प्ले करते रहूँ एकदम से अगर दुनिया बदलने की मुहिम पे निकल जाएंगे तो जो अपना छोटा सा रोल है जो एक्चुअली जो स्लोली स्लोली करके आप दुनिया बदल सकते हैं वो पीछे रह जाएगा तो मिलावट अजीब सी हो जाएगी हाँ मावरा आजकल एक बिस्किट का ऐड चल रहा है आपने शायद देखा हो शायद ना देखा हो उसमें कुछ भी नहीं है वो शलवार कमीज़ पहन के मुख्तलिफ आउटफिट्स पहन के डांस कर रही हैं और वो बैन हो गया मतलब उसमें कुछ भी नहीं था तो ये तनकीद क्यों करते हैं लोग और ये क्या कल्चर है इतनी तनकीद का एक्चुअली ये कल्चर ही गलत है कि आप किसी भी चीज़ को फर्स्टली मैंने देखा नहीं है ठीक लेकिन कुछ भी होगा तो वो इनटॉलरेंस से बुरा नहीं हो सकता आई फील कि ये जो सब क्रिटिसिज्म आती है या जो पूरा एक बैन कल्चर है इट कम्स फ्रॉम इनटॉलरेंस आई से ओके एनी कंट्री एनी रीजन दे हैव टू ड्रॉ देयर लाइन्स बट देन ड्रॉ लाइन्स फॉर थिंग्स दैट मैटर दे गोइंग टू जो आपकी मुल्क को अफेक्ट करती हों जो जिनका कोई बहुत बड़ा रीज़न हो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे या चले आपको बड़ी भी लग रही है सो आई से डोंट बी सो इनटॉलरेंट आप लोगों को ब्रीदिंग स्पेस तो दें आप इनटॉलरेंस से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो अगर आप इनटॉलरेंट हैं तो आप कोई और बुराई कैसे निकाल सकते हैं इनटॉलरेंस ही सबसे बड़ी बुराई है सो मेरा पर्सनली यही मानना है और यू नो मुझे भी कभी मैं कोई चीज़ देखती हूँ जो मुझे नहीं पसंद आती मैं कोई एंजल नहीं हूँ लेकिन नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई जाके उसका एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है वी कैन समटाइम्स कीप आर ओपिनियंस टू आर सेल्व्स एंड लेट अदर पीपल बिलीव और लिव और ग्रो हम किसी और की ग्रोथ शैटर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो नाउ द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप फॉर माय पसंद वी हैव टू बी टॉलरेंट वी हैव टू बी मुझे जो अच्छा लगता है नहीं है आपको अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट कुछ माशरे होते हैं जहाँ टॉलरेंस ज़्यादा होती है अब आप न्यूजीलैंड को देख लें यू नो और भी माशरे तो वही माशरे पर तरक्की भी करते तो वो कौन सी क्वालिटी है जो टॉलरेंस को ग्रो करने देती है क्योंकि टॉलरेंस इटसेल्फ कांट बी अ क्वालिटी ना टॉलरेंस हैज़ टू हैव सम प्रीरिक्विजिट्स तो कौन से माशरे हैं जो तरक्की कर जाते हैं उनमें क्या होता है आई थिंक वही बात है कि कुछ चीज़ों को हमने बहुत ही जिस तरह मैंने कहा कि कोई नफ़रत लेके पैदा नहीं होता इस तरह कोई इनटॉलरेंस लेके भी पैदा नहीं होता ये हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसको आपको और मुझे और एनीबॉडी विद अ वॉइस को एड्रेस करना पड़ेगा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये मेरे लिए मेरा प्राइम कॉज है क्योंकि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं बट कम अज़ कम वो डिफाइंड हैं एज प्रॉब्लम्स कि ये एक क्राइम हो गया या ये एक प्रॉब्लम हो गई या चोरी हो गई या इस प्रॉब्लम का तो कोई नाम ही नहीं है ये प्रॉब्लम तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा कि हम एज ह्यूमंस क्या बनते जा रहे हैं एंड दैट्स नॉट जस्ट टू से कि पाकिस्तानी इज इंटॉलरेंट बिल्कुल नहीं नहीं हम दैट्स टू से वर्ल्ड ओवर कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि क्या हम लोग बेहतर इंसान नहीं बनना चाहते एज अ वर्ल्ड क्या हम ग्रो ऐसे तो कुछ नहीं बचेगा
कि आप एक दूसरे को अगर जीने ही नहीं देंगे तो क्या बचेगा. सो वी जस्ट हैव टू कीप स्पेस, बहुत कम हो जाएगी फिर सांस लेने के लिए. तो हर किसी को अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हों, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हों या आप कहीं खेलने जाते हों, आपको ऑन अ पर्सनल लेवल टॉलरेंस, यू नो, यू विल हैव टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, विच इज़ वॉट आई एम रियली डेस्परेटली ट्राइंग टू डू, बिकॉज अनलेस वी practice it, it's not going to happen. People will only look at someone's life and try to, you know, imbibe it in theirs. बिल्कुल. आप एक चीज़ कहती हैं, हेडलाइंस में आ जाती है, और आपने अक्सर कहा है, एक दो दफ़ा कहा है कि ये अनफेयर होता है कि एक्टर्स की कॉन्टेक्स्ट में से चीज़ निकाल के लोग लगा देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि मीडिया, जो हमारा मीडिया है, इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो? एक तो ये नया कल्चर है कि कोई चीज़ ट्रेंड करी है तो उसके बारे में सबने खबर लगानी है, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट में हो या ना हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि दे हैव टू रन देयर ओन प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग. बट मैंने उसके लिए जो पर्सनल सोल्यूशन निकाला है, ऑफ कोर्स इट्स हर्टफुल, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही सेपरेट करना पड़ेगा कि नॉइज़ क्या है और रेलिवेंट क्या है. और मुझे लगता है कि इसमें भी 2020 ने मेरी बड़ी मदद की है, बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ टू क्रिएट दोज, यू नो, कि मैं क्या क्या चीज़ें ब्लॉक कर सकती हूँ और किन चीज़ों पे मैं अपनी सेहत ख़राब ना करूँ, अपनी सोच ख़राब ना करूँ, क्योंकि वही मेरी सोच और मेरा पोटेंशियल कहीं और यूज़ होने के लिए मुझे बचाना है. सही. क्योंकि मुझे खुद को भी खुद ही बचाना है. वर्ल्ड को बचाते बचाते आप खुद घुल नहीं सकते नॉइज़ के साथ. सो आई फील कि इन एनी मूवमेंट, इन एनी सोशल, यू नो, जो भी चीज़ बात ट्रेंड करी हो या हो रही हो, उसमें कुछ थोड़ी बात इम्पॉर्टेंट भी होती है, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉइज़ दीज डेज. सो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको फ़िल्टर करके अपने दिमाग तक पहुँचाएँ, वरना दिमाग थक जाएगा प्रोसेस कर कर, और आप ख़ुद बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे. हाँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि नॉइज़ को साइड पे कर सकूँ. आई ऑल्सो हैव बैड डेज जहाँ मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ क्रैशिंग डाउन ऑन माई हेड, लेकिन टॉक अबाउट दिस, लेकिन कोशिश यही रहती है. और मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगियों में, चाहे वो पब्लिक फिगर ना हो, नॉइज़ को और एडवाइस को सेपरेट करने की एबिलिटी पैदा करें. दैट विल हेल्प पीपल ग्रो. What is in store for Mawra in 2021? Well, something really big, because I don't know. Inshallah. So I'm hoping something really incredible and extraordinary, because when you don't know, to tabhi they say all great things start from a big I don't know. Yeah. So really, I don't know anything this Mystery year. Mystery is where, the unknown is where all the fun things happen. Yeah. Pata nahi hota na. To kuch pata nahi hai. Abhi to bas safar ye chal raha hai ki khud ko figure out kar lu, thoda aur understand kar lu. Aur this is a new chapter for me, having my own house. That takes most of my time. By the way. Thank you. That takes most of my time. And then just growing older and just understanding life, that is taking I really feel like I'm sitting in front of an 82-year-old. I swear to you. I really hope I have that much of a wisdom. But when I was your age, Mawra, like I mean, I thoda bahut to hoga, but I think because you've had to deal with so much, aapne ye jo apni life philosophy banayi hui hai, it's got so much thehrao in it, because I think you've had to deal with a lot from a very young age. You know, you've been working since you were 19. I started when I was 23 after college, but you started, I guess, even before that. Yeah. तो ये सारी बातें आपके अंदर काफी, मतलब एक दिहाई से चल रही हैं. You know, मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है. बताएं. क्या हमारी एक्ट्रेसेस खूबसूरती के लिए एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं करती, बट खूबसूरती के लिए भी करती हैं. अच्छा. और यहाँ पे भी सिर्फ टॉलरेंस की ज़रूरत है कि जो इंसान, जो इंग्रेडिएंट जिस प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा है, उनको खुदा का वास्ता है, करने दें. सही. हो सकता है कुछ लोग परफॉर्म ना कर सकते हों, तो वो सोचते हों कि क्या हो गया अगर मैं खूबसूरती ही ऐड करी हूँ. और हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को उतना खूबसूरत महसूस ना करते हों, तो वो सोचते हों कि परफॉर्मेंस या कैरेक्टर एक्टिंग इज़ एवरीथिंग. सो आई से लेट ऑल काइंड ऑफ पीपल बिलीव इन देमसेल्व्स, लेट देम ब्रीद. और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स या किसी इंडस्ट्री को इस तरह के
चीज़ों में तोले नहीं, ये इट्स जस्ट क्रिएटिंग मोर कॉन्फ्लिक्ट जब हम इस तरह की बातें सोचने लगते हैं. लेकिन जब कास्टिंग डिसीजंस पे आता है मामला, तो मतलब अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा सिर्फ खूबसूरती नहीं होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स दीज थिंग्स मैटर कि उसकी शक्ल सूट करेगी किरदार को या नहीं, या उनको एक पर्टिकुलर लुक चाहिए, उनको कश्मीरी लड़की चाहिए, उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके घने बाल हों, उनको छोटी लड़की चाहिए. तो हमारी इंडस्ट्री में ये प्रेशर्स तो होते हैं उनको लेके, जैसे आपने कहा नॉइज़ को सेपरेट करना चाहिए अपने टैलेंट से और फिर. बट मेरा ये इंसान का इंडिविजुअल प्रेशर है. हो सकता है कि मैं ये बोलते हुए कहते हुए इनसेंसिटिव साउंड करूँ जी, मगर मुझे मेरे बारे में सब कुछ परफेक्ट नहीं है. बट मेरे माँ बाप ने जो मेरे अंदर चीज़ वो कर दिया है, एक चीज़ जो मेरे अंदर बस गई है बचपन से, उसको आप नहीं बदल सकती. अगर मैं समझती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपका कास्ट करना मुझे बदल नहीं सकता. सो आई से ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एज वेल, बट इट्स आल्सो ऑन अ ह्यूमन लेवल दैट वी ऑल नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. इजीियर सेड देन डन. ऑफ कोर्स इट्स इजीियर सेड देन डन. ऑफ कोर्स आई आल्सो हैव इनसिक्योरिटीज, मुझे भी अपने बारे में 10 चीजें अच्छी नहीं लगती. बट आई एम नॉट गोइंग टू कम टू यू एंड से आप नॉर्म बदलें और मुझे अच्छा कहें. सही. आई एम गोइंग टू से कि मैं जो भी हूँ, मुझे अगर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस करना चाहती हूँ, मैं आपसे आके शिकायत नहीं कर सकती. सो मुझे अपने लिए बिलीफ भी खुद क्रिएट करना पड़ेगा, सोसाइटी में चेंज भी अपने आप से ही लाना पड़ेगा. और कंप्लेन नहीं हो सकती कि नहीं सोसाइटी पहले बदले मैं बाद में बदलूंगी. कितनी सारी एक्ट्रेसेस की एग्जाम्पल है मीरा, जिन्होंने सारे एक डायनामिक बदल के रखी. बिल्कुल. सो यही लोग बदलेंगे, आप और मैं बदलेंगे. जो हमारे अंदर कमियां हैं हम उनको रजिस्टर कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे. और बाकी जो एक्ट्रेसेस जो जिस तरह सोचता है उसको अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी आगे लानी पड़ेगी फॉर पीपल टू बिलीव. आई टोटली एग्री विद दैट, एब्सोल्युटली. सो टेल मी, जब आप और उर्वा साथ होती हैं, आप लोग दिल भर के गॉसिप करते हैं? हाँ करते हैं. ये फायदा है. और अली तो करते हैं. नहीं नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं. बट इंजॉय करते हैं. और लेकिन हम उस तरह की इंडस्ट्री रिलेटेड कॉन्वर्सेशन आर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस बिकॉज हम दोनों वी आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स करेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस एंड करेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स. आधे लोगों को वो जानती हैं, आधे को मैं जानती हूँ. थैंक यू सो मच मावरा एंड वाइज ओल्ड सोल. आई मीन I don't know अब आपने कौन सी टेरिटरी चार्ट करनी है, बट whoever you do, you know, if you ever find a companion, he has to be, he can't even be half as mature as you because he has to meet you at your level, which is very high. So I don't think I'm that sensible or mature, but I think everybody has sides and everybody has good days and bad days and weak days and oh I'm a strong girl day. But I think we're all a combination of great things and that's what we are, you know, really aiming to achieve every day. I love that. We are all a multitude. Yes. Thank you, Mawra. Thank you, Mira.